दोस्तों बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को लेकर कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अभी तीन बड़ी खबरें निकल कर आई हैं। अगर आप भी कक्षा 10वीं या 12वीं के छात्र हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूटे ना, मिस ना हो। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ हमें कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर बताएं ताकि आपके राज्य से जुड़ी जो भी बड़ी खबर निकल कर आए हम आप तक पहुंचा सके सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें आज की इस वीडियो की शुरुआत करते और जानते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर को। तो दोस्तों अब बच्चों के रिजल्ट का इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है क्योंकि अब बच्चों की मार्कशीट सबमिट हो चुकी है। अब बोर्ड को सिर्फ बच्चों के अंकों को वेरीफाई करना है। आपका रिजल्ट तैयार हो चुका है लगभग। और दोस्तों बोर्ड जितनी जल्दी आपके अंकों को वेरीफाई करता है उतनी जल्दी आपके रिजल्ट आने के चांसेस है। तो हो सकता है दोस्तों कि 20 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाए। तो दोस्तों आप अपने रिजल्ट को लेकर अब निश्चिंत रहें, जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज की दूसरी और सबसे बड़ी खबर को। दोस्तों दूसरी खबर रिजल्ट में देरी को लेकर है। कई स्कूल सिर्फ 8वीं तक ही होते हैं, ऐसे में कक्षा 10वीं के छात्रों का रिजल्ट 3 साल के बेसिस पर बन रहा है और स्कूलों के पास बच्चों के 8वीं के नंबर नहीं होते तो ऐसे में रिजल्ट बनने में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन दोस्तों फिर भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कक्षा 10वीं के छात्रों का रिजल्ट 20 जुलाई तक या फिर उससे भी पहले आ सकता है और कक्षा 12वीं के छात्रों का रिजल्ट 25 से 30 या फिर 31 जुलाई तक कभी भी आ सकता है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि कई राज्यों ने अपने रिजल्ट को जारी करना स्टार्ट भी कर दिया है, जैसे कि दोस्तों हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर ने कक्षा 10वीं के छात्रों के रिजल्ट को जारी कर दिया है। और दोस्तों उम्मीद है कि एक एक करके सभी राज्य धीरे धीरे करके रिजल्ट को जारी करते जाएंगे और दोस्तों जल्द ही आपके रिजल्ट का इंतजार भी खत्म हो जाएगा।